हाय फ्रेंड्स, आज मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ क्रिस्पी चटपटी मुरमुरा या पफ्ड राइस नमकीन, जो कि बहुत ही आसानी से कम समय में तैयार हो जाती है। और इसे आप चाय कॉफी के साथ खा सकते हैं या फिर ऐसे भी। आजकल लॉकडाउन के समय जहाँ मार्केट में स्नैक्स इजी अवेलेबल नहीं है, तो ऐसे में ये मुरमुरा नमकीन बेस्ट ऑप्शन है। लेकिन रेसिपी में आगे बढ़ने से पहले जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन जरूर दबाइए, ताकि मेरे हर रेसिपी का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। और ये नमकीन कैसी लगी कमेंट में जरूर बताइएगा। सबसे पहले गैस का फ्लेम ऑन करके ऑयल गरम कर लेंगे और उसमें मैं डाल रही हूँ एक बड़ी कटोरी मूंगफली। अब हम मूंगफली को लगातार चलाते हुए भूनेंगे। जो गैस का फ्लेम है उसे ना ही हाई रखिएगा ना ही लो, मीडियम फ्लेम पे भूनिएगा, क्योंकि अगर आप लो फ्लेम पे भूनोगे तो मूंगफली ऑयल ज़्यादा सोख लेगी अपने, और अगर हाई पे रखेंगे तो ऊपर से तो जल्दी काली हो जाएगी और अंदर से कच्ची कच्ची रह जाएगी। तो हमें इसे मीडियम फ्लेम पे अच्छा सा कलर आने तक भूनना है। इस मूंगफली को लगातार चलाते हुए भूनिएगा, नहीं तो ये जल सकती है, और अगर ये थोड़ी भी जल गई ना तो हमारी नमकीन में जो है टेस्ट को वो ख़राब कर देगी। इस नमकीन को घर पर ज़रूर बनाइएगा मुरमुरा की। ये मार्केट में मिलने वाली नमकीन से भी ज़्यादा टेस्टी बनती है, बहुत ही टेस्टी लगती है, बच्चे बड़े सभी बहुत खुश होकर खाते हैं। और बनाने के बाद मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि ये नमकीन खा के आप लोगों को कितना मज़ा आया। तो हमारी मूंगफली जो है वो बिल्कुल अच्छे से भून चुकी है, आप देख सकते हो इसमें अच्छा सा कलर आ गया। बस इसी स्टेज तक भूनना है और इसके बाद हम निकाल लेंगे, वरना मूंगफली का कलर जो है वो काला काला सा हो जाएगा और हमारी नमकीन में बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगेगा। मूंगफली हमारी भून गई है, उसे हमने एक साइड कर दिया है। अब हम कटोरी डालेंगे कॉर्नफ्लेक्स, मार्केट में किसी भी जनरल स्टोर में बहुत ही ईजी अवेलेबल होते हैं, तो इसको भी हम मीडियम आंच पे हल्का सा भून लेंगे। कॉर्नफ्लेक्स अगर आपके पास है तो ज़रूर डालिएगा, नहीं है तो स्किप कर सकते हैं, लेकिन है तो डालना, क्योंकि कॉर्नफ्लेक्स का जो फ्लेवर है वो नमकीन को और ज़्यादा बढ़ा देता है और ये काफ़ी कुरकुरा होता है, तो जो हमारी मुरमुरे की नमकीन है ना वो और भी ज़्यादा क्रिस्पी बन जाती है। कॉर्नफ्लेक्स को भूनने में जो है ज़्यादा टाइम नहीं लगता है, क्योंकि ये 2 से 3 मिनट में ही मीडियम फ्लेम पे अपना कलर चेंज कर लेता है। आप देख सकते हो इसमें गोल्डन सा कलर आ गया। बस अब हम गैस का फ्लेम करके बंद करके इसको भी फटाफट से निकाल लेंगे। गैस का फ्लेम ऑन करेंगे और ऑन करने के बाद हम फ्लेम को मीडियम रखेंगे, और यहाँ पे मैं आधा चम्मच डाल रही हूँ बड़ी वाली राई, या फिर आप सरसों दाना कह सकते हो, और इसको बिल्कुल हल्का सा सॉटी करेंगे, हमें जलाना नहीं है एकदम भी। अब यहाँ पे डालेंगे आधा चम्मच हल्दी। हल्दी पाउडर जो है वो हमारी मुरमुरा या जो भी लैया है इसकी नमकीन को बहुत ही अच्छा सा कलर देगा, और साथ ही में डालेंगे काफ़ी सारा कड़ी पत्ता, इसको भी हम इसके साथ सॉटे करेंगे अच्छे से, थोड़ा सा भून लेंगे ताकि ये क्रिस्पी हो जाए। थोड़ा ही भूनना है, क्योंकि जब हम मुरमुरे या फिर लैया के साथ इसको भूनेंगे तब भी हमारा कड़ी पत्ता जो है वो और क्रिस्पी होगा। अब हम इसमें डालेंगे मुरमुरा। नमकीन की क्वांटिटी आप अपने हिसाब से कम ज़्यादा कर सकते हैं। अब हम इसको लो फ्लेम पे भूनेंगे ताकि अच्छा सा कलर भी आए हमारी नमकीन में और कुरकुरी भी हो जाए काफ़ी, और इसको लगातार चलाते रहिएगा ताकि हमारा लैया जो है मुरमुरा वो बिल्कुल भी जलने ना पाए। लो फ्लेम पे 2 से 3 मिनट भूनने पे ही हमारा जो मुरमुरा है यानी कि पफ्ड राइस है ये काफ़ी कुरकुरा हो चुका है। अब हम यहाँ पे डालेंगे स्वाद अनुसार नमक। यहाँ पे मैं काला नमक डाल रही हूँ, काला नमक का जो फ्लेवर है वो बहुत ही अच्छा आता है, लेकिन अगर आपके पास नहीं है तो आप सफ़ेद नमक भी डाल सकते हैं जो हम रेगुलर यूज़ करते हैं, और इसको हम अच्छे से करेंगे मिक्स। मुरमुरे को आप जितना अच्छे से भूनेंगे ना वो उतना ही ज़्यादा कुरकुरा होगा और नमकीन खाने में उतना ही मज़ा आने वाला है। और अगर आपको रेसिपी पसंद आ रही है तो वीडियो को लाइक करना बिल्कुल मत भूलिएगा, और ऐसे ही और इंटरेस्टिंग और इजी रेसिपीज़ के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन ज़रूर दबाएं, ताकि आप मेरे हर वीडियो और हर रेसिपी के साथ जुड़े रहें। तो हमारा मुरमुरा जो है वो बहुत अच्छे से भून चुका है और काफ़ी क्रिस्पी भी हो चुका है। मैं आपको इसकी आवाज़ सुनाती हूँ, ये देखिए, और बहुत ही आराम से क्रश हो गया है। अब बस हम इसमें बाकी अपनी चीज़ों को मिक्स कर लेते हैं जो हमने पहले से ही फ्राई करके रखी थी, यानी कि फ्राई की हुई मूंगफली, फ्राई किए हुए कैलॉग, और इनको फटाफट से हम धीमी आंच पे ही मिक्स करेंगे। तो आप देख सकते हैं अभी तो इसमें पूरे मसाले भी नहीं गए और ये कितनी अच्छी लग रही है, यमी सी, मन कर रहा है बस अभी खा लो। तो बिना टाइम वेस्ट किए हुए आज ही इसको अपने घर पर बनाइए और फैमिली के साथ इंजॉय करिएगा। अब हम इसमें बाकी के मसाले डालेंगे। अब यहाँ पे मैं डाल रही हूँ आधा चम्मच कश्मीरी लाल मिर्च,
और साथ ही में इस नमकीन को चटपटा सा फ्लेवर देने के लिए थोड़ा सा स्पाइसी यहाँ पे मैं डाल रही हूँ आधा चम्मच काली मिर्च का पाउडर। और अब फटाफट से इनको हम कर देते हैं मिक्स बिना देर किए हुए। अब इस नमकीन को और अच्छा और चटपटा फ्लेवर देने के लिए हम इसमें डालेंगे चाट मसाला। अगर आपके पास चाट मसाला नहीं है तो आप अमचूर पाउडर भी डाल सकते हैं, क्योंकि नमकीन में एक हल्का सा जो खट्टापन होता है ना वो बहुत ज़्यादा नमकीन को और अच्छा बना देता है। और इसको करेंगे मिक्स। और इस नमकीन को घर पे बनाइए ज़रूर, बाजार की नमकीन बिल्कुल मत खाइएगा। अब आप घर पे यही बनाओ और इसे ही खाओ, ये बहुत ही अच्छी लगती है। तो मुरमुरा नमकीन हमारी यमी सी एकदम रेडी है। अब गैस का फ्लेम बंद करेंगे और फटाफट इसको किसी चीज में निकाल लेते हैं। तो ये देखिए, इस तरीके से आप इसको बना के स्टोर करके महीनों रख सकते हो, ये बिल्कुल भी खराब नहीं होने वाली है। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट रेसिपी के साथ। तब तक के लिए बाय एंड टेक केयर।